Welcome dear students, welcome to JEFY JEFY Javed's English for you. इस YouTube चैनल पर मैं आप लोगों को SSC यानी 10th English से related और HSC यानी 12th English से related लगभग हर चीज़ हर important topic बताता हूँ समझाता हूँ. इसके अलावा general English जो है, spoken English जो है, अच्छी handwriting जो है, इन सभी topics पर मैं video बनाकर upload करता हूँ और आप लोग देखते हैं, like करते हैं. आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक थोड़ा सा हटके है, थोड़ी सी ऑफ टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ. आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HSC या 12th इंग्लिश का वो क्वेश्चन पेपर जो अभी 2022 मार्च 2022 में महाराष्ट्र बोर्ड ने एग्ज़ाम कंडक्ट किए थे और ये पेपर हुआ था. ओके, ये पेपर 10:30 से 2 बजे तक का टाइम था. इस टाइम में लिखना था, लगभग 3.5 घंटे का पेपर था. 4 मार्च 2022 ये पेपर की डेट थी. इंग्लिश ये सब्जेक्ट था और 80 मार्क्स के लिए ये पेपर हुआ था. वैसे तो इंग्लिश 100 मार्क के लिए सब्जेक्ट है, आप लोगों को पता है, बट 20 मार्क्स के जो ओरल एग्ज़ाम थे वो पहले ही हो चुके थे. तो 80 मार्क्स का ये पेपर था जो बच्चों ने लिखना था. काफ़ी सारी गड़बड़ी, काफ़ी सारी मिस्टेक्स इस क्वेश्चन पेपर में बोर्ड की तरफ से हुई हैं. अब स्टूडेंट्स लोगों का ये कहना है कि हम लोगों को जो भी सारी गलतियां हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, या तो उसके मार्क दे दिए जाएं, या स्टूडेंट्स लोगों का एक ग्रुप ऐसा है जो चाहता है कि इंग्लिश का पेपर डबल से हो. आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो देखकर उन सारी मिस्टेक्स को समझिए जो बोर्ड की तरफ से इस क्वेश्चन पेपर में हुई हैं, और कमेंट करके बताइए कि या तो ये पेपर डबल होना चाहिए या फिर जो मिस्टेक्स हुए हैं वो मार्क स्टूडेंट्स को अलॉट किए जाने चाहिए, दे दिए जाने चाहिए. बोर्ड का ये कहना है कि जो कुछ भी मिस्टेक्स हुई हैं वो सब एक तरफ, वो सारे मार्क्स एक तरफ, हम सिर्फ एक मार्क देंगे. ये बात आप लोगों को कहाँ तक सही लगती है? आप लोगों को पता है काफ़ी सारी सेफ्टी मेजर्स के साथ स्टूडेंट्स लोग एग्ज़ाम देने के लिए अपने अपने सेंटर्स पर गए थे. कोविड के चलते मास्क है, सैनिटाइजेशन है, डिस्टेंसिंग है, सारी चीज़ों का पालन करके स्टूडेंट्स लोग और उन्हें छोड़ने के लिए पेरेंट्स लोग सेंटर्स तक गए थे. इसके बाद में जब पेपर में गलती हुई है तो इस गलती को, इस मिस्टेक को लेकर स्टूडेंट्स लोग परेशान हैं. हम देखते हैं क्या क्या मिस्टेक्स, क्या क्या गलतियां इस पूरे 80 मार्क के पेपर में हुई हैं. कम ऑन, लेट्स बिगिन. क्या आप लोगों को पता है 14 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने HSC या 12th एग्ज़ाम्स इसके इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन किया था? तो एग्जैक्टली बोर्ड से चूक कहाँ पर हुई है, क्वेश्चन पेपर सेट करने में मिस्टेक्स कहाँ पर हुए हैं, हम लोग वो सारी मिस्टेक्स एक एक करके डिस्कस करते हैं. कम ऑन, लेट्स बिगिन. मिस्टेक नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन जो है, बिल्कुल पहला जो क्वेश्चन है, 5 ही तो क्वेश्चन थे, उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसी में मिस्टेक है. ये देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 1A A5 लैंग्वेज स्टडी. दो क्वेश्चंस थे इसमें, एक्चुअली सब क्वेश्चंस एक एक मार्क के लिए. जो फर्स्ट वाला है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस, ये वाला सेंटेंस है. और नीचे आप लोग इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, मेक द अबव सेंटेंसेस सिंपल. अब ये वाला जो सेंटेंस है ये ऑलरेडी सिंपल है, इसे सिंपल किस तरह से बना सकते हैं हम लोग? स्टूडेंट्स लोग थोड़े से नर्वस हो गए थे कि जो सेंटेंस पहले ही सिंपल है उसे और सिंपल किस तरह से बनाया जा सकता है. हैरत की बात यह है कि ABCD ये चार जो अलग अलग सेट होते हैं क्वेश्चन पेपर के, इस साल से नहीं थे. बोर्ड को सिर्फ एक पेपर सेट करना था और उसमें भी गलती हुई है. हम लोग देखते हैं मिस्टेक नंबर 2. ये ठीक आप लोगों की स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का सी. देख सकते हैं आप लोग, माइंड मैपिंग 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है. मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ. डेवलप अ माइंड मैपिंग यूजिंग योर आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स टू डेवलप द टॉपिक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट. ओके, किस टॉपिक पर आप लोगों को माइंड मैपिंग बनानी है? प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट. अब यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स के बेसिस पर आप लोगों को माइंड मैपिंग बनाना था. ओके, अब ये सेम टॉपिक क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी है उसमें देखिए, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4C और उसमें जो थर्ड वाला है, एक्सपैंड द फॉलोइंग आइडिया बाय यूजिंग द पॉइंट्स टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस है, थोड़ा सा वर्ड्स का हेर फेर है, बट यहाँ पर जो दोनों टॉपिक दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सी में और क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी है उसके थर्ड में, एक ही जैसा टॉपिक है, टाइम के ऊपर बच्चों को लिखना है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर. कन्फ्यूज़न एक्चुअली बच्चों को यह हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 के सी में टाइम मैनेजमेंट इस टॉपिक पर जो हमने लिखे हैं, तो इधर क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही चीज़ें लिखना है या नहीं लिखना है?
क्योंकि क्वेश्चंस तो अलग अलग हैं, कंटेंट अगर सेम हो गई तो मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू में जो हम लोगों ने लिख दिया है तो टाइम पर उससे अलग जो नोट्स हैं या उससे अलग जो आंसर है, उससे अलग जो आइडियाज़ है, वो कहाँ से लाना है, इस बात को लेकर बच्चे थोड़े से परेशान हुए हैं। मिस्टेक नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर 4B3 इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक आपके सामने हैं। इमेजिन दैट यू हैव मेट विद द टॉपर इन MPSC एग्जामिनेशन, यू विश टू इंटरव्यू ऑफ हिम और हर टू नो हिज और हर जर्नी ऑफ सक्सेस, प्रिपेयर अ सेट ऑफ 8 to 10 क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये बताया गया है कि 8 से 10 क्वेश्चंस पूछना है, लेकिन वो 8 टॉपिक क्या रहेंगे जिस पर हम लोगों को क्वेश्चन पूछना है ये क्लियर नहीं बताया गया है। बस बोला गया है जर्नी, इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछना है। अगर आप लोग पिछला क्वेश्चन पेपर देखते हैं जो एग्ज़ाम महाराष्ट्र बोर्ड ने सितंबर अक्टूबर 2021 में कंडक्ट किए थे, उस पेपर में क्लियर लिखा गया था कि 8 क्वेश्चन अलग अलग किन 8 टॉपिक्स पर होंगे। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, एक ही टॉपिक दिया है जर्नी, इस पर 8 से 10 क्वेश्चन बना लो। एक दूसरी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सितंबर अक्टूबर 2021 इस क्वेश्चन पेपर में महाराष्ट्र बोर्ड ने जो क्वेश्चन दिया था उसके ऊपर एक टेबल था, गाइडेंस टेबल। उस टेबल को देखकर स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी आराम से, काफ़ी इजीली स्टूडेंट्स इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। वो वाला टेबल इस क्वेश्चन पेपर में गायब है, बिल्कुल नहीं दिया है उन्होंने टेबल। मैं आपको बता सकता हूँ कि 2021 के पेपर में किस तरह का टेबल था। ये देखिए आप लोगों के सामने इंटरव्यू का क्वेश्चन है, 2021 इस ईयर का सितंबर अक्टूबर में ये पेपर हुआ था। यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है नंबर 3, इमेजिन यू हैव टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ अ टीचर हु रिसेंटली रिसीव्ड द आइडियल टीचर अवार्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल एंड पॉइंट्स ड्राफ्ट क्वेश्चंस फॉर एन इंटरव्यू, डू नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस। और अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक टेबल दिया है जिसके अंदर काफ़ी सारी मालूमात है, नेम ऑफ द इंटरव्यूवी, एरिया ऑफ सक्सेस और रेपुटेशन, डेट और वेन्यू और टाइम और ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू। उसके नीचे है क्वेश्चंस, और फिर यहाँ पर क्वेश्चंस शुड बी बेस्ड ऑन, 8 क्वेश्चंस आप लोगों ने बनाने हैं और 8 अलग अलग टॉपिक्स दिए हैं क्लियरली। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को ना तो टेबल दिया गया, ना 8 से 10 अलग अलग टॉपिक्स दिए गए जिस पर उन्होंने क्वेश्चन बनाने थे, सिर्फ कहा गया है कि क्वेश्चन पूछो। मिस्टेक नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का डी और उसमें 3, प्रिपेयर एन अपील टू इनकलकेट द हैबिट। नीचे दिया है स्लोगन्स यूज़ करना है, यूज़ परसिवेजिव अपील, और नीचे दिया है इट्स नेसेसिटी फॉर डेवलपमेंट। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में, सवाल में अपील तैयार करने के लिए कहा गया है हैबिट पर, लेकिन कौन सी हैबिट ये स्टूडेंट्स को पता नहीं है। रीडिंग की हैबिट, जिम जाने की हैबिट, वॉकिंग की हैबिट, मेडिटेशन की हैबिट, कौन सी हैबिट। इसके अलावा और 3 ऐसी गलतियां हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, लेंथ नहीं दी गई है, कितनी बड़ी अपील बनाना है, 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन, टाइटल नहीं दिया है किस टाइटल पर आप लोगों ने अपील बनाना है, और पॉइंट्स इनकम्प्लीट हैं, 3 पॉइंट्स दिए हैं। एक्चुअली पिछला जो पेपर था सितंबर अक्टूबर 2021 का, इसमें टाइटल भी दिया गया था, कितनी बड़ी अपील बनाना है ये लेंथ भी दी गई थी, और पॉइंट्स भी 3 नहीं थे, 5 पॉइंट्स दिए गए थे स्टूडेंट्स लोगों को। मैं आप लोगों को उस पेपर का क्वेश्चन बताता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4D3 अपील, योर कॉलेज हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए मोटरसाइकिल रैली टू मेक पीपल अवेयर टू सेव पेपर एंड सेव ट्रीज, prepare an appeal on the topic save paper save trees with the help of the following points in about 100 to 150 words, convincing appeal, need information or facts, famous personality or guest, venue, date and time। देखा आप लोगों ने, है कि नहीं एक बड़ा फ़र्क, ज़मीन आसमान का फ़र्क, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। इसलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लेकर परेशान हुए हैं, नर्वस हुए हैं। मिस्टेक नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये होता है जनरली नॉवेल्स पर। अब नॉवेल जो होते हैं 500 पेज, 800 पेज, लगभग 1000 पेज, इतनी बड़ी लेंथ के, इतने पेजेस के नॉवेल्स होते हैं, वो पूरे नॉवेल्स सिलेबस में नहीं दिए हैं, उसका कुछ पार्ट होता है। मुझे लगता है जो पार्ट दिया गया है उस पर क्वेश्चन होना चाहिए था, बट लेकिन किंतु परंतु हुआ क्या है, कंप्लीट नॉवेल पर क्वेश्चन आया है। अब ऐसे समझ लो कि स्टूडेंट्स हैं HSC या 12th के,
और जो क्वेश्चन का लेवल है वो यूनिवर्सिटी लेवल का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन होना चाहिए बीए या एमएमए। यानी यहाँ पर अगर नावल का सेक्शन है 12वीं क्लास में, 12th क्लास में, तो ओवरऑल नावल पर क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जा सकता है। ये तो वैसे ही हो गया कि साल भर सिखाए हैं खिचड़ी किस तरह से बनाना है और एग्ज़ाम में आया है कि वेज बिरयानी बनाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी वो मिस्टेक जो एचएससी या 12th क्लास के इंग्लिश के पेपर में महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से हुई है। किस चैनल पर आप लोगों ने मिस्टेक्स को देखा, JEFY जावेद्स इंग्लिश फॉर यू, किस टीचर ने पॉइंट आउट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो, और चैनल हमारा उसे सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।